हाय एवरीवन, मेरी तरफ से और ये मरून, केसरी, गुलाबी, हल्का गुलाबी, लाल, रानी पिंक कलर के फ्लावर्स और न जाने कितने कलरफुल फ्लावर और कद्दू की बड़ी सी स्माइल के साथ आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज हम आए हुए हैं फ्लावर शो में। जी हाँ, यहाँ पर जमशेदपुर में फ्लावर शो लगा हुआ था। तो ये देखिए, स्टार्टिंग हुआ हमारे इस रोज़ के साथ। मुरझाए हुए रोज़ थे, उस पर स्मेल बहुत ही अच्छी थी। ये देखिए, बड़े बड़े कलरफुल डलिया। बहुत ही ज़्यादा नए नए कलर के फ्लावर्स मैंने देखे, आप आगे भी देखेंगे तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए, यहाँ पर कितने प्यारे कलरफुल सनफ्लावर के पौधे लगे हुए हैं, जैसे लगता है इन्हें देखते ही रहे। बहुत ही अच्छे अच्छे और स्ट्रॉन्ग कलर थे यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर बुके बनाकर भी रखे हुए थे। एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग ने प्रेजेंट किया हुआ था, ताकि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से आप एक छाप छोड़ सकते हो, तो यही इन लोग ने किया था, बहुत ही अच्छे से किया था। यहाँ पर एक मॉडल भी प्रेजेंट किया गया था, ये देखिए। और उसके बाजू में यहाँ पर सब्जियाँ बेच रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत ऑर्गेनिक सब्जी है। तो ब्रोकली थी, फ्लावर था, और पर्पल कलर की पत्ता गोभी थी, तो वो हमने लिया था। और उसी के बाजू में सारे स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें गार्डनिंग टूल्स है, खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, अलग अलग सब्जियाँ, पेड़ पौधों के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, पोट है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बिक रही थी। तो चलिए, हम भी सोचे घूम लेते हैं। मेरा ख़रीदने का कुछ भी बिल्कुल मन नहीं था, सिर्फ मैंने सब्जी खरीदी थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से बहुत सारा सामान घर में इकट्ठा कर लिया है। तो वही सिर्फ हम देख रहे थे घूम के कि क्या कुछ नया है, कैसी चीजें मिल रही है। ये देखिए, पक्षियों का घर बहुत ही अच्छे से स्ट्रिंग से, यानी कि एक दूरी होता है उसी से बनाया गया था। बहुत ही क्रिएटिव था, बहुत ही अच्छा लगा, पर थोड़ा हमारे बजट में नहीं था, वरना मेरा लेने का मन था। पर चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। होम डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें थी। देखिए, यहाँ पर पॉट मिल रहे थे, इसमें मुझे एक पिंक कलर का पॉट बहुत अच्छा लगा था, जो मैंने आइकिया के स्टोर में देखा था। तो इसी तरीके का यहाँ पर भी मिल रहा था, पर साइज़ मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी, अगर इसमें छोटी होती तो मैं ले लेती। इसका प्राइस वहाँ पर 350 था। देखिए, बहुत सारे प्लांट भी यहाँ पर आप सेल कर रहे थे, तो ले सकते थे, बहुत सारे पौधे यहाँ पर ले रहे थे। होम डेकोरेशन के लिए, आपके गार्डनिंग डेकोरेशन के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर आप जमशेदपुर में रहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, नॉलेज आपको जानने को मिलेगा।
ये देखिए आप, बहुत ही सारे अच्छे अच्छे रोजेस के पौधे बेच रहे थे, गुलाब के पौधे बेच रहे थे, बहुत बहुत कलरफुल थे। और भी सर्दियों का सीज़न है ना, तो गुलाब बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। देखिए छोटे छोटे गुलाब भी थे, बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर, खाद भी बेच रहे थे। देखिए बहुत ही प्यारे रोजेस थे, मैंने आज से पहले इतनी वैरायटीज़ के और कलर के रोजेस नहीं देखे, बहुत ही नए नए कलर थे। पूरा फ्लावर शो देखते देखते शाम हो चुकी थी, 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, शाम के 6:30 बज चुके थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम स्टार्ट ही होने वाला था। तो हमने भी सोचा कि हम भी स्टेज के पास जाके खड़े हो जाते हैं ताकि हम भी मज़ा ले सकें सांस्कृतिक प्रोग्राम का। तो चलिए आप और हम मिलके देखते हैं कल्चरल प्रोग्राम कि कैसा होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। म्यूजिक।